लेसन 8 डिवीज़न विथ डेसिमल नंबर्स। आज हम इस वीडियो में लेसन 8 का बेसिक है डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स बाई डेसिमल नंबर। जैसे कि स्टूडेंट्स, इसको मैंने कल आपको जूम क्लास के थ्रू एक्सप्लेन किया था। आज मैं इस पर बेस्ड एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डेली का प्रोसेस है कि जूम क्लास पर जो भी मैं आपको स्टडी कराता हूँ, तो नेक्स्ट डे को उस पर बेस्ड एक वीडियो क्रिएट करता हूँ और उसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ, उसका लिंक व्हाट्सएप पर से करता हूँ यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, कोशिश ये करें आप कि आप अगर कोई स्टूडेंट्स जूम क्लास पर कनेक्ट नहीं हो पाता है, या किसी स्टूडेंट्स के जैसे एक दो भाई बहन हैं और वो उसकी वजह से वो जूम क्लास यूज़ नहीं कर पाता है, जूम क्लास नहीं ले पाता है, तो वो इस वीडियो के थ्रू अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है, वीडियो के थ्रू अपना वर्क समझ सकता है। पीडीएफ भेजता हूँ, उसके थ्रू अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है। तो वीडियो से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं आप, और जिन स्टूडेंट्स ने जूम क्लास ली है वो तो वीडियो देखें तो उनका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश तो ये रहती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जूम क्लास अटेंड करें, ऑल स्टूडेंट्स करें। लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, तो किसी के पास मोबाइल है तो उनके दो भाई बहन हैं तो वो जूम क्लास अटेंड करते हैं, कोई नहीं। लेकिन आप वीडियोज़ को ज़रूर देखें आप। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर। जब किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है। व्हेन वी डिवाइड एनी डेसिमल बाई होल नंबर द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न विल रिमेन द सेम, ठीक है। प्रोसेस सेम रहती है, जैसे कि हम डिवीज़न करते हैं सिंपल वाली। एज फॉर होल नंबर ओनली प्रिकॉशन इज टू टेकन फॉर पुटिंग अप डेसिमल पॉइंट इन क्वेश्चन। व्हेन वी टेक डाउन डिजिट्स जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन डिवीज़न प्रोसेस द टाइम विल वी पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन एज वेल। कहने का मीन्स ये है कि हम डिवीज़न बिल्कुल बेसिक करते हैं सिंपल काम, लेकिन डिवाइडेड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं, इतना समझना है। जैसे 2 का टेबल 4 में 2 टाइम्स आएगा, लेकिन इस 4 से पहले पॉइंट है तो इस 2 से पहले भी पॉइंट आएगा, बस इतना करना है, ठीक है। अब 2 का टेबल 4 में कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो 2 4 हो गया इस तरह से। तो हम इसको डिवाइडेड क्या है, इसमें 4 है, 0.4 है, डिवाइजर 2 है, और क्वेश्चन इसका कितना है 0.2, और इसका रिमाइंडर 0, इस तरह से करना है। उसके बाद डिवीज़न ऑफ होल नंबर वाई आ होल नंबर विथ डेसिमल इन क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें क्या करना है, जैसे कि हम किसी भी होल नंबर से होल नंबर के जब करते हैं डिवीज़न, तो क्वेश्चन उसका पॉइंट में आना चाहिए, अगर पॉइंट में कर रहे हैं तो। कैसे हैं देखते हैं इसको। देयर आर सर्टेन केसेस हो वेयर डिवाइजर एंड डिवाइडेड आर होल नंबर्स, व्हाट क्वेश्चन विल बी आर डेसिमल नंबर। हेयर वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। अब यह स्टेप आपको फॉलो करना है, जैसे कि 1258 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 हमने यहाँ इसकी प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि ये 4 को इस तरह से करेंगे पहले आप, ठीक है। इसको 1258 को इस तरह से। अब 4 का टेबल 12 में कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। उसके बाद 5 आपने नोट किया, 4 का टेबल 5 में 1 टाइम गया, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 4 का टेबल, अब आपने 5 में से 4 गया मन बच्चा, अब 8 भी आपने ये नोट कर लिया। स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको यहाँ लगाना थोड़ा सा भूल गया था, तो 8 आपने नोट कर लिया। अब 4 का टेबल 18 में 4 टाइम्स जाएगा, 16 हो गया। अब 18 में से 16 का 2 बचा। अब बात आती है ये इस 2 की कि अब 4 का टेबल 2 में जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेस, बस यही जो कॉन्सेप्ट है इसका फंडा है, यही आपको समझना है कि अब 4 का टेबल 2 में जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ एक पॉइंट पुट करेंगे, और जैसे ही पॉइंट पुट करेंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है, ये इसका आप ये ट्रिक मान लीजिए, कॉन्सेप्ट मान लीजिए, जो भी माने आप, कि अगर यहाँ पॉइंट पुट करेंगे तो एक 0 आप यहाँ 0 आएगा, और जैसे ही 0 आएगा तो 4 का टेबल 20 में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम आता है, 4 5 20, इस तरह से 20 में से 20 0 बचा। इस तरह से इसका क्वेश्चन कितना आया, 314.5, ऐसे कर। तो स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी एनीवन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप
और इसको आप रिपीट कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको लगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाई डेसिमल नंबर। हाँ, जब किसी की तो डिवीज़न ऑफ होल नंबर वाई होल डेसिमल नंबर, किसी भी होल नंबर की डेसिमल नंबर से डिवीज़न कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने आप ध्यान रखना है इस बात का, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद वन डिजिट है तो आप 10 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होते तो 1000 से, अकॉर्डिंग टू डेसिमल पॉइंट इन प्लेस, उसका प्लेस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, इतना करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर्स को आप होल नंबर में चेंज कर लें, जैसे कि मैंने किया है, ठीक है, और मैंने इसको किया है। एक बात बता दें आपको, जैसे 144 को डिवाइड करना है 1.2 से, तो अगर हम इसको इसमें चेंज कर रहे हैं तो अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे तब भी सेम आएगा सेम, लेकिन ऐसा करने से जो प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है ना, बहुत इजी हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, 12 से डिवाइड किया, अब 12 से डिवाइड किया, क्वेश्चन कितना है 120, इस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स आपको इसमें आपको कोई डाउट ना लेकर चलें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और उसमें कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स और दिए हैं, ये एग्जांपल्स हैं, तो ये क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, ये क्वेश्चन भी करना है होमवर्क वाले। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का वर्क कम्प्लीट नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक बात और, 10 अगस्त से आपके पीरियोडिक टेस्ट हैं, तो उनके लिए आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। मैंने टेस्ट पेपर बनाना आ लिया है, उसमें टोटल एक क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन जो वन क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स का है, इतना बस आप समझ लो, वन क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। क्वेश्चंस इजी हैं, 1 आवर्स में आप कर सकते हो, और आपका टाइमिंग 1 आवर्स है। तो सभी स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर दें, और तैयारी बिल्कुल ना चूकें तैयारी करने में। अगर किसी स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।